हेलो एवरीवन. बेटा थोड़ा सा मतलब मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है आज. और आज नीट का रिजल्ट आया. नॉर्मली ऐसा फील नहीं होता. नॉर्मली नीट के रिजल्ट वाले दिन मेरे को काफी अच्छा फील होता है, पर आज काफी खराब फील हो रहा है. रीजन क्या है कि बहुत सारे बच्चों की रैंक बहुत ज्यादा आ गई है. मतलब कि 640 वाले को कॉलेज मिलता हुआ नहीं दिख रहा. और मैं मतलब सेलिब्रेट करने का मेरा बहुत मन है इस बात को लेकर कि यार मेरे बहुत सारे बच्चे 695, 700, 715 का एक मैसेज मेरे पास आया था. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है. तो पॉइंट क्या है कि सेलिब्रेट करने का मन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो नंबर आ रहे हैं ना बेटा, वो कहीं ना कहीं मतलब हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहे. क्योंकि एक साल में 40 नंबर कट ऑफ बढ़ गई है. 40 नंबर आप समझते हो, कट ऑफ 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक तो समझ में आता है. 40 नंबर कट ऑफ बढ़ गई है. अब ये तो ठीक था कि हम बच्चे को, फिर भी मैं मतलब थोड़ा सा शांत होके मैं प्लान कर रहा था कि हम लोग, हमारी टीम प्लान कर रही थी कैसे इनको काउंसलिंग में हेल्प करें, ताकि कहीं ना कहीं से कोई कॉलेज का ऑप्शन बनता है तो बना सकते हैं क्या. क्योंकि गवर्नमेंट तो 52,000 सीट्स लिखती है, इसमें कोई डाउट नहीं. क्या कोई ऑप्शन बना सकते हैं हम? पर क्या हुआ, अभी कुछ मैसेज मेरे पास ऐसे आए और मैंने चेक भी किया स्कैनर से. हो सकता है, पता नहीं मैं गलत चेक कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं सही चेक कर रहा हूँ. मैंने स्कैनर से चेक किया और मैंने ये पाया कि यार एक 718 किसी बच्चे के आ रहे हैं, एक 719 आ रहे हैं. अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहे हैं. अगर एनटीए को ये कहीं ना कहीं क्लेरिफाई करना पड़ेगा, यार कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप दो चार नंबर बिना क्वेश्चन सॉल्व किए देते हो, या कुछ ऐसा करते हो क्या कि जहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा 719 कैसे आ सकते हैं, 718 कैसे आ सकते हैं. या तो 716 आएंगे, आप कोई क्वेश्चन छोड़ दो, या गलत कर दो तो 715 आएंगे. आपके 719 और 18 नंबर कैसे आ सकते हैं? मैंने खुद देखा बेटा इसको, बच्चों ने पीडीएफ टाइप से सेंड की है और उसमें 718 आ रहे हैं. मैंने इसको हटा दिया उसके बच्चे की डिटेल, और एक बच्चा मिला जिसके 719 आ रहे हैं. अब ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं बेटा मन में थोड़ा सा डाउट तो क्रिएट हो रहा है, यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है क्या इस साल. और ये एनटीए को क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि क्योंकि एक चीज ये नहीं है बेटा, कई ऐसी चीजें हुई लगातार जिसमें हमें डाउट फील हुआ. पहला कि जब न्यूज आई बेटा, न्यूज आई कि यार पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने सीधे एक ही दिन में डाल दिया. नहीं, कुछ पेपर बाहर चला गया था, उसके बाद उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला, ना उन्होंने कुछ बोला, कुछ एकदम शांत की नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. और अभी भी वो बेटा इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है कि क्या हुआ था वहां पर. पर उसके अलावा जो मैं देख पा रहा हूं, मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं. लास्ट ईयर प्रॉपर एक प्रेस रिलीज करी थी, उसमें उन्होंने बताया था इस कैटेगरी का ये टॉपर है, ये टॉपर है, ऐसे करके उन्होंने एक पीडीएफ भी डाली थी, उसके साथ रिजल्ट रिलीज हुआ था. अभी ऐसी कोई प्रेस रिलीज तो मुझे मतलब दिखी नहीं आज तो. और कुछ सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं यार, 718, 719 ये पॉसिबल कैसे है, मुझे पहले थोड़ा सा समझना है आपसे भी और एनटीए से भी. और मैं अगर ऐसा कुछ गड़बड़ है तो प्लीज सब लोग इसको यार देखो, सीरियसली सब लोग देखो, क्योंकि ये कोई खुशी होने वाली बात नहीं है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा किया. ये बात है खुश होने की, लेकिन उन बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए जिनके 620 नंबर लाके. आप सोचो जरा ना, एक बच्चा है जिसके 630 आए, 4 ड्रॉप हो गया, उसको मन में क्या बीत रही होगी. यार पहले तो एक महीने में लग रहा था कि यार आज, एक महीने पहले ये लग रहा था ना जब 630 जोड़े उसने कि यार गवर्नमेंट कॉलेज बन मिल गया, यस. आज उसके सामने तो सब जीरो हो गया है. तो हमें कहीं ना कहीं उनके लिए भी सोचना चाहिए. अगर कुछ गड़बड़ है तो प्लीज हमें थोड़ा सा आवाज उठानी चाहिए और कुछ करना चाहिए. तो 718-19 मुझे नहीं समझ में आया. इसकी रैंक 69 है, इस वाले की रैंक 68 दिखा रहा था. अब ये मुझे समझ नहीं आया क्योंकि 720 के आसपास लगभग 80 प्लस बच्चे हैं जो गूगल वगैरह पे भी दिखा रहा है. अगर ये सही है तो फिर रैंक कैसे आ गई बेटा 69, 68? कुछ कहीं है क्या, कुछ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. तो मेरे को सवाल है, पहला 719, 718 कैसे आते हैं, दूसरा कि इनकी रैंक ऐसे कैसे आ सकते हैं जब 80 प्लस बच्चे 720 के हैं. क्या एनटीए ने कोई पीडीएफ, तो इसलिए पीडीएफ डालनी चाहिए उनको कि 720 के इतने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है. तीसरा मेरे पास क्लियर है कि इस साल इतने ज्यादा स्कोर 720 के कैसे आ गए, क्या हुआ ऐसा कि 700 आज मतलब बच्चा अचानक से बहुत अच्छा पढ़ने लग गया, या मतलब बहुत रैंक आ रही थी. मतलब मेरे को कोचिंग्स में तो ऐसा दिखा नहीं कि अचानक से बहुत बच्चे ऐसे थे, ऐसा हमें भी ऑब्जर्व नहीं हुआ कभी. मतलब मैं वो अपने अराउंड देखता था, बच्चे लिखते थे सर 650 आ रहे हैं टेस्ट में, 670 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, कोई 720 वाला तो रेयर ही कोई मैसेज भेजता था. तो मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि अचानक से ऐसा होना चाहिए था. और एक चीज और नहीं समझ में आई कि कल रात को मतलब की आई है, फाइनल की आई है, अचानक से आज रिजल्ट अपलोड हो गया, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डाउट तो मन में क्रिएट करता ही है. ये 3-4 सवाल हैं जो मैं एनटीए से पूछना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि और लोग भी प्लीज इसे सपोर्ट करो. अगर कहीं सब ट्रू है, सही है, तो अच्छा है ना बेटा, फिर काउंसलिंग में हेल्प करते हैं. लेकिन अगर कहीं कुछ फिशी है, बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बेटा हम लोग
पेपर लीक पर भी बहुत ज्यादा कोई बोल नहीं पाया था, क्योंकि एनटीए ने कुछ उसमें बोला ही नहीं, आगे कुछ करा नहीं। मतलब हमने कुछ भी एक दो वीडियो बना के बोला भी था, और अगर रियल में कुछ गड़बड़ हुई है तो प्लीज यार इसे देखो, कहीं ना कहीं ये कुछ गलत डायरेक्शन दे रहा है और बच्चों के मन को कितना तोड़ता है। मुझे बताओ कि एक बच्चा जिसके 200, 250, 300 नंबर है वो क्या सोच के ड्रॉप करे कि 650 में भी कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं बेटा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार ये एनटीए से पूछें इस बात को कि यार वो क्या सोच रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं प्लीज बताओ, क्लेरिफाई करो इस बात को, और हम जो भी जरूरी मेल्स वगैरह होंगी वो करेंगे आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी देंगे यार, जो हमें पता चलेगा वो बताएंगे। पर प्लीज आप भी सब लोग इसको बताओ कि यार ये कुछ सवाल है, इनके क्लियर आंसर चाहिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा, और कहीं ना कहीं काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। मैंने बताया भी आपको टेलीग्राम चैनल पे, प्रॉपर मैं हेल्प करूंगा आपकी कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। ठीक है, मिलते हैं बेटा, बाय।